Hello guys, welcome to the sketch channel. And as you all know that we are running a series of 100 important questions of Indian polity regarding CHSL pre-examination. So guys, here we are with the next 25 questions. So let's start. The question number 26 is, which of the following act introduced separate electorates for Muslims? And the answer is Act of 1909. गाइस जो 1909 का एक्ट था वो मुस्लिम्स को ये लिबर्टी देता था कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए अपना एक कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं एज देयर लीडर. क्वेश्चन नंबर 28, इन हूज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कन्वे ऑल द ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट सारे सेशंस को होल्ड कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 29, द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12th फाइवर प्लान इज एंड द आंसर इज 2012 से 2017 के फाइव ईयर के ड्यूरेशन के टाइम इंडिया का 12th फाइव ईयर प्लान प्रोसेस में था. और गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 30, The unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of, and the answer is central government. Unitary government एक ऐसी government का type होता है जिसमें सारी की सारी power सिर्फ central government के हाथ में होती है. There is no such power which belongs to state government or which belong to any other local government. Question number 31, which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLAs? द आंसर इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट. जो 52वां संविधान संशोधन है ये एमपी और एमएलएज के जो डिसक्वालिफिकेशन होती है उनकी अपात्रता होती है उनकी पोस्ट के लिए उसके साथ रिगार्ड करता है. क्वेश्चन नंबर 32, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वैसे सारे मुद्दों का निपटारा करता है जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स की डिसक्वालिफिकेशन या उनकी अयोग्यता से रिलेटेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 33, G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय एंड द आंसर इज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर. देखिए गाइस बहुत सारे ग्रुप्स हैं एंड G20 इज वन ऑफ दोज. तो G20 जो होता है वो 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है. अब इसमें जब मीटिंग हेल्ड होती है तो उस मीटिंग में उन कंट्री के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके जो अपेक्स बैंक बॉडी होती है उनके गवर्नर होते हैं जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या जितनी भी तरह की सबमिट्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, All the doubts and disputes in connection with election of the president are inquired into and decided by and the answer is Supreme Court. The judge of Supreme Court or the Chief Justice of India is allowed to discuss all the disputes regarding the presidential election. Next question guys. Question number 35, the minimum age limit for the membership of Vidhan Parishad and the answer is 30 year. 30 year age जो minimum age होती है Vidhan Parishad की सदस्यता ग्रहण करने के लिए. Question number 36, which type of democracy do we follow in India? And India do follow representative democracy. Guys let me tell you about representative democracy means ऐसी democracy जिसमें जो जनता होती है वो अपने representative चुनती है और जनता के representative ही rule करते हैं. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है जस्ट लाइक यूएस. एंड डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही जो कि नॉर्थ कोरिया में था या जैसा हिटलर था कि एक इंसान ही पूरी कंट्री पर शासन करता है. क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एंड द आंसर इज एस्टिमेट्स कमेटी. एस्टिमेट कमेटी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमेटी है और वी कैन से दैट इट इज़ द लार्जेस्ट कमेटी. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड द आंसर इज
जम्मू एंड कश्मीर। देखिए गाइस, बाइकैमलर लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर होता है जिसमें सदन में दो भाग होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। सामान्यतः यूनिकैमरल होता है जिसमें कि एक ही तरह का सदन या एक ही तरह का लेजिस्लेचर होता है, एक ही तरह का चैम्बर होता है, जैसे कि जो ज़्यादातर स्टेट्स में है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टैक्सेस बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द आंसर इज सी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ऐसे ये तीन टैक्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ डील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें कलेक्ट करती है, इनमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, एंड इट इज़ डन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो बिल लोकसभा में रखा गया है वो मनी बिल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ गवर्नर इज लिमिटेड इन, एंड द आंसर इज एसेंट टू बिल्स। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, एंड आंसर इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज द पावर ऑफ रोक टू द लोकसभा, एंड द आंसर इज प्रेसिडेंट। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन एज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, एंड वी ऑल नो दिस आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड, एंड द आंसर इज राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 46, द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सर्व द, एंड द आंसर इज बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो मेंबर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के, वो सर्व करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, बट इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो सर्व करते हैं ये दोनों को ही सर्व करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी और यूनियन गवर्नमेंट को भी। क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम इसे बहुत आसानी से सही कर सकते थे, ना आंसर इज 5 ईयर। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में जो ज़्यादातर पोस्ट होती हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एंड इट इज डन बाय द वेल नोन पर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ही भारत का एकीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 49, अ मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही फील्स अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस by withholding facts of a case is called, and the answer is privilege motion. And question number 50, the 14th finance commission has recommended increase in state share in net proceed from tax collection from 32% and it has been increased by 42%. So guys, ye hamare aaj ke question the, hope aapko pasand aaye honge, and these are the very important questions, so please guys inhe revise karein, याद रखें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।